हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उद्यप्ता ब्लॉग। तो गाइस, सुबह के बज गए हैं 9 और उधर मैंने कर ली है अपनी पूजा अर्चना। उधर मेरी पूजा अर्चना हो गई है और उसके बाद पूजा अर्चना के बाद मैंने किया है ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो मैंने सूजी और बेसन के चीले बनाए हैं और उधर मेरी हो रही है चाय और उधर मेरा दूध भी हो गया है और उधर मैंने आज लंच में बनाई है भिंडी की सब्ज़ी और चपाती। तो मेरा इधर सब कुछ रेडी हो गया है, उधर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है तैयार। तो मैं उधर पापा जी के लिए ब्रेकफास्ट देने जा रही हूँ, 9 बज गए और 9 बजे ब्रेकफास्ट तैयार होना चाहिए। तो मैंने तैयार हो गया मेरा ब्रेकफास्ट, तो मैं उनको ब्रेकफास्ट देने जा रही हूँ। तो मैं ब्रेकफास्ट लेके गई तो मेरे को अचानक से ध्यान आ गया कि पापा जी ने गिलास के लिए भी बोला था कि वो दवाई खाते तो गिलास में पानी पीने के लिए बोला था उन्होंने। तो मैं दोबारा आई और मैं गिलास लेके गई। उधर से मैं लेके आई थी गिन्नी महारानी को, तो गिन्नी आने के लिए जिद कर रही थी तो मैं नीचे ले आई उसे और वो देख रही है फिश की पोएम। इधर हो गया है लंच का टाइम, तो बच्चे कर रहे हैं लंच, बच्चे स्कूल से आ गए हैं लंच करें। मैंने बोला खाने के लिए, तो खाने के लिए कर दिया है मना कि मम्मा हमें मैगी खानी है। तो बच्चे दोनों मैगी खा रहे हैं, इधर रुद्र मैगी खा रहा है, इधर लवी मैगी खा रही है। और गीता ने भी अपने लिए सादा मैगी बनाई, कह रही मुझे ये वाली मैगी नहीं खानी, मैं अपने लिए सादा मैगी बनाऊँगी। तो मैंने कहा बहन तू अपने लिए सादा मैगी बना ले। तो दोनों अलग अलग मैगी खा रही हैं और इधर रुद्र ने देखो स्कूल से आके किस तरह से कपड़े फेंकता है, भूचाल मजा देता पूरे स्कूल में। उसके बाद में वो ये ट्यूशन से आ गए, उसके बाद में बोला कि मम्मा मेरे को दूध और ब्रेड मक्खन खाने में। बेटा दोपहर को तो आपने लंच में खाई थी मैगी और आपको दूध मक्खन अब नहीं मिलेंगे। तो मेरे से लड़ रहा है, उधम मचारा, ले गया पैसे निकाल के और लेके आया दूध और मक्खन ले आया। देखो मेरे को परेशान करके, आप ब्लॉग तो नहीं बना रही? मैंने कहा मैं तो ब्लॉग बना रही हूँ तेरा, देख उधर ले। इतना उधम मचारा गाइस चला गया, उधर लेके आया ब्रेड और मक्खन। तो उधर लवी से सैंडविच बनवा रहा है, दोनों बहन भाई सैंडविच बना रहे हैं। उधर लवी ने बना लिया है सैंडविच की तैयारी कर रही है और सैंडविच बनाने लग रही है लवी। उधर कर रहा है रुद्र ब्रेड सैंडविच का कि लवी कब सैंडविच बना के लेके आए और कब मैं दूध और सैंडविच खा के मैं जाऊँ एकेडमी के लिए। उधर फिर वो गिन्नी के ऊपर चला गया देखने गिन्नी सो रहे कि नहीं, लेकिन गिन्नी सो रही थी तो वो ऊपर से ऐसे आ गया। फिर मैं गई ऊपर, बच्चे एकेडमी चले गए, मैं ऊपर गई। मैंने कहा सुबह मैंने कपड़े धो तो मैं देखती हूँ कि मौसम कैसा हो रहा है, कि बारिश आ गई तो मेरे सब कपड़े गीले हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं ऊपर गई थी, लेकिन मैं जैसे ही ऊपर गई मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। देखो गाइस बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि बारिश पड़ी हुई है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। उधर मेरे पौधे में भी मैंने देखा कि कहीं पौधों में मेरे को पानी देने की ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग में जाती हूँ कपड़े धोने तो मैं पौधों में दे देती हूँ पानी। तो उधर मैं देख रही हूँ कि पानी देने की ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि शायद पानी देना पड़ेगा। तो उधर मैंने पौधों में दे दिया है पानी और बारिश आ जाएगी तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि पानी भी दे दिया, उधर बारिश भी आ गई तो पौधे मेरे अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बारिश में तो पौधे अच्छे ही हो जाते हैं। देखो ये गाइस ये इतनी बड़ी बेल है ना, बहुत नीचे से ऊपर तक जाती है ये बेल, बहुत अच्छी लगती है। कोई भी जाता है ना सड़क पर ऐसे ही ऊपर घर को, हमारे घर की तरफ देखता है बेल की तरफ, बहुत अच्छी बेल है ये। इधर की साइड भी हो रही है गाइस, उधर की साइड भी हो रही है, बीच में हमारा घर का वो आ जाता है तो अच्छा लगता है, मतलब दोनों साइड ये बेल हो रही है बहुत अच्छा लगता है। तो पौधों में मैंने पानी दे दिया है, इधर की साइड भी देखो गाइस। उधर फिर बच्चे आ गए हैं एकेडमी से, तो बच्चे आने के बाद मैं लवी तो बस गिन्नी से ही चिपक जाती है, एकेडमी से आके वो चिपक गई गिन्नी से, तो गिन्नी से ऐसी खेल रही है। उधर लवी गिन्नी टीवी भी देख रही है, गाना भी सुन रही है, आराम से खेल रही है। उधर लवी भी डांस कर रही है, गिन्नी भी डांस कर रही है आराम से, देखो आराम से कितना मज़े ले लेके डांस करती है। इधर कभी टीवी देख लेती है, कभी डांस कर लेती है। इधर देखो ओहो उछल 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 के उछल उछल के देखो ओहो 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 हो हो मैडम जी अब खड़ा कर लिया मैडम जी को, उछल उछल के डांस कर रही है। देखो गाइस देखो ओहो बैठ गई, फिर उछलेगी, अभी इतना उछलती है कि बस पूछो मत। अभी सो के भी उठेगी तब भी इसको डांस, सुबह भी आएगी तब भी इसको डांस, डांस तो इसको करना ही करना होता। देखो कितना मुँह फाड़ फाड़ के डांस कर रही है,
बहुत अच्छे से डांस करती है हमारी गिन्नी। किसी भी गाने को ले लो आप, कोई भी गाना चला दो, झुमका गिरा कोई भी गाना चला दो, आप हर गाने पे डांस करेगी, हर पे मौज मस्ती करती है, अच्छा लगता है, बच्चे भी इससे खुश रहते हैं, इसके ताऊजी आ जाते हैं तो इसके खुश रहते हैं, मतलब डांस गाना लगा दो, डांस करती रहेगी तो घर में मनोरंजन हो जाता है। मतलब एक बच्चा भी होना बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे नहीं होते तो घर में थोड़ा शांतपन रहता है। इधर हो गया हमारा डिनर का टाइम, तो लबी खाना खुद भी खा रही है और इसको भी गाना खाना खिला रही है। देखो हमारे यहाँ बनाए आज दाल चावल चोखा, तो हम सब ने कर लिया है डिनर। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो गाइस इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।